नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल पे। आज हम ऑडासिटी के कुछ जनरेटर प्लगइन के बारे में आपको बताएंगे। ये जो जनरेटर प्लगइन्स होते हैं, ये बहुत ही यूजफुल प्लगइन्स होते हैं। इसमें कुल मिला के 6 प्रकार के प्लगइन्स आते हैं। अब जनरेटर प्लगइन क्या होता है, इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या पहले भी ऑडासिटी में जनरेटर प्लगइन आए थे, यही कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑडासिटी ओपन करता हूँ और उसके इन बिल्ट जनरेटर प्लगइन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं जनरेट प्लगइन के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मेनू में, यहाँ पे ऑडासिटी और उसके बाद में कुछ मेनू के नाम है। अब यहाँ पे जैसे नाम से पता चलता है कि जनरेट जो प्लगइन है वो जनरेट ऑप्शन में होगा, जनरेट मेनू बार में होगा। तो हम जनरेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल मिला के इतने सारे प्लगइन यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, जो कि ऑडासिटी पहले ही इनबिल्ट ये प्लगइन प्रोवाइड करता है। तो इसमें से एक दो प्लगइन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये टोन वाला देख लेते हैं और यहाँ पे टोन पे हमें क्लिक करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो जनरेट क्लिक करते हैं। अब जनरेट पे क्लिक करने के बाद में इसे करते हैं प्ले, तो आपने सुना इस तरह से ये साउंड आता है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं साइलेंस और जनरेट, उसके बाद में तीसरा भी एक बार देख लेते हैं, जैसे रिदम ट्रैक है इसे जनरेट करते हैं और इसे प्ले करते हैं। तो आपने देखा जनरेट में इतने सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुल मिला के 9 प्लगइन्स अभी अवेलेबल है। अब इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे, जैसे थंबनेल में मैंने आपको दिखाया था कि कितने सारे प्लगइन यहाँ पे अवेलेबल है जनरेटर प्लगइन में, जैसे टोन जनरेटर, नॉइज जनरेटर, स्पेशल इफेक्ट जनरेटर, सिक्वेंस जनरेटर, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट साउंड जनरेटर्स, जनरेटर यूटिलिटीज, ये सभी प्लगइन हम बारी बारी से देखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले तो ये जनरेटर है, इसका एक ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और इसको करते हैं एमएस पेंट में पेस्ट। ठीक है, अब इसे क्रॉप करके रख लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम, आगे चल के जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारा जो प्लगइन है वो ऐड हुआ नहीं हुआ इसको चेक करने के लिए। तो अभी मिनिमाइज कर देते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे जो प्लगइन्स है हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप वीडियो में से भी इसको टाइप करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद में यहाँ पे प्लगइन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो 6 प्लगइन्स देखते हैं जो कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे टोन जनरेटर पे आपको बताते हैं कि किस तरह से हम प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो टोन जनरेटर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे देखिए बस टोन जनरेटर, टीटीएमएफ टोन्स, तो इस तरह से एचक्यू टोन सब कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, पीडब्ल्यूएम टोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जिसको आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बस .ny टोन डाउनलोड हो गया है। जैसे ये डीटीएमएफ टोन्स चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह से आपको सभी के टोन्स डाउनलोड करने हैं। उसके बाद में समझ लीजिए सब कुछ वन बाय वन डाउनलोड करने के बाद में आपको बाकी के प्लगइन के जो भी प्लगइन्स है सब प्लगइन उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको एक फोल्डर में डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोन जनरेटर्स, ये 5 प्लगइन है। अब ये जो 5 प्लगइन है आपको टोन जनरेटर्स में मिल जाएंगे, मैंने डाउनलोड करके रखे हैं अलग अलग फंक्शन के दौरान। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतने सारे प्लगइन्स थे, तो इनके प्लगइन्स के मैंने अलग अलग फोल्डर बनाए और इसमें डाउनलोड करके रख दिए। आप यहाँ से सब कुछ प्लगइन डाउनलोड कर लीजिए। अब ये प्लगइन डाउनलोड होने के बाद में आपको इसके टोन जनरेटर्स में 5 प्लगइन है, ठीक है, उसके बाद में नॉइज जनरेटर में 2, उसके बाद में स्पेशल इफेक्ट जनरेटर्स में 3, इंस्ट्रूमेंट साउंड जनरेटर में 4, सिक्वेंस जनरेटर में 2 और जनरल यूटिलिटीज में 2 प्लगइन है। अब यहाँ पे इतने सारे प्लगइन है, आपको इसको पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है ऑडासिटी के फोल्डर में। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको दिस पीसी में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम दिस पीसी में चलते हैं। यहाँ पे हम दिस पीसी में आ गए, अब ये जाना पड़ेगा लोकल डिस्क में। यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में और यहाँ पे ऑडासिटी। ऑडासिटी में आने के बाद में यहाँ पे आपको ये जो प्लगइन्स है ये शो होंगे, प्लगइन्स ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतने सारे प्लगइन्स है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ऑडासिटी में इतने सारे जो हमारे जनरेटर प्लगइन्स है इतने सारे है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हमारा एक फोल्डर है ये वाला, और यहाँ पे टोन जनरेटर से इस पे से निकालता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक
डेस्टिनेशन फोल्डर एक्सेस डिनाइड का मैसेज आएगा, उसे कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ऑडासिटी में चलते हैं और ऑडासिटी में आने के बाद में जनरेट में देखते हैं कुछ प्लगइन आए कि नहीं। जी यहाँ पे प्लगइन नहीं आए हैं, तो इसके लिए आपको प्लगइन मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्कैन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिस्कैन करेंगे तो आपने जितने भी प्लगइन वहाँ पे डाले होंगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब हम जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह से आप प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो हमारा DTMF टोन था वो यहाँ पे शो हो गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे DTMF जनरेटर या DTMF टोन पे क्लिक करता हूँ और जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप टोन सुन लीजिए। तो इस तरह से आप टोन जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए अगला वाला देख लेते हैं कौन सा टोन जनरेटर है। तो यहाँ पे नॉइस टोन जनरेटर है। तो हम यहाँ से बारी बारी से सभी प्लगइन यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम नॉइस जनरेटर्स वाले डाल देते हैं। इसको करते हैं कॉपी और करते हैं पेस्ट कंटिन्यू। तो आप भी इसी तरह से सभी प्लगइन डाउनलोड करके ऑडासिटी के फोल्डर में प्लगइन फोल्डर में डाल दीजिए। यहाँ पे हमने स्पेशल इफेक्ट जनरेटर्स भी डाल दिए। अब इंस्ट्रूमेंट साउंड जनरेटर्स है ये भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिक्वेंशियल जनरेटर्स हैं ये भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आपको कंटिन्यू का मैसेज आएगा, उसे कंटिन्यू कर दीजिए। लास्ट में हमारा जनरेटर यूटिलिटीज़ है ये भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्लगइन्स है सब कुछ हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए है। मेजर यहाँ पे 6 कैटेगरी थी और वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। तो हम फोल्डर का अभी हमारा काम हो चुका है, फोल्डर को क्लोज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर में आके जनरेट में जाके प्लगइन मैनेजर में जाके इसको एक बार रिस्कैन कर देते हैं। रिस्कैन प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा रिस्कैन हो चुका है, इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद में हम जनरेट में देखते हैं कितने सारे प्लगइन आए हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे प्लगइन ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमने जो प्लगइन देखे थे ये बाय डिफॉल्ट प्लगइन थे, अभी आपके सामने वो बाय डिफॉल्ट प्लगइन है। तो इस तरह से हमने जाना कि हम किस तरह से प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जनरेटिव प्लगइन्स थे। थंबनेल में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि जनरेटिव प्लगइन क्या होते हैं। आपको बताया कि ये जनरेटिव प्लगइन होते हैं, एक सिस्टम साउंड जनरेट करते हैं और इसे हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी हमने देखा। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि AI प्लगइन भी इस ऑडासिटी में आते हैं। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया है, एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए कि हम इसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल FFmpeg ऑडासिटी 3.4 में, इसको भी आप जरूर देख लीजिए। और एक नया फीचर आया है म्यूज हब इफेक्ट्स करके, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। ये पूरे YouTube में नहीं है कि म्यूज हब किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये भी वीडियो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने ऑडासिटी में जाना कि हम किस तरह से जनरेटिव प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक जो प्लगइन है जनरेट में चलते हैं। तो यहाँ पे एक टोन नाम का प्लगइन है, इसके बाद में साइलेंस है। तो यहाँ पे कोई भी प्लगइन जैसे हार्मोनिक नॉइज़ है इसको क्लिक करते हैं, या रिदम ट्रैक है इसको क्लिक करते हैं और सुनते हैं कि किस तरह से बजता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप यहाँ पे एक एक प्ले करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको सुटेबल कर सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से जनरेटिव प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह के टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।